नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो तमे मजा मने कशे आहात तुम्ही मजेत ना हाउ आर यू ऑल फाइन ओके एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू हियर दैट यू ऑल आर वेरी फाइन। तो मैं शालिनी अबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती सातवीं कक्षा के बच्चों के लिए। अभी जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे अभी वो आ गए हैं सेवन स्टैंडर्ड में। क्लैप फॉर देम, ये कितना अच्छा लग रहा है अभी, है ना। तो चलो मैं अभी पढ़ाई और वेकेशन दोनों भी हम लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती सातवीं कक्षा के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले होती है पहली इकाई, ओके। फिर यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, देखो इसका नाम है, पहला जो आप लोगों का चित्र वाचन है उसे वाचन मेला नाम दिया हुआ है, ओके। तो वाचन मेला, वाचन मीन्स व्हाट, वाचन मीन्स रीडिंग करने का, ठीक है। तो वहाँ पर बुक्स है बहुत सारे, एग्जीबिशन बोलते हैं ना, एग्जीबिशन टाइप है ये। तो यहाँ पर बहुत सारे बुक्स है। फेयर, मेला यानी फेयर होता है एक्चुअली, प्रॉपर वर्ड अगर कहा जाए तो। देखो ये है पिक्चर, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये जो चित्र दिखाई दे रहा है उसे हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, ओके, हिंदी में। तो अभी सबसे पहले तो आप लोग अच्छे से ये पिक्चर देख लो, ओके। फिर आप लोग इसे कैसे लिखोगे ये मैं आपको बताती हूँ, ओके। तो देखो अभी इसे कहते हैं चित्र वर्णन, सी द पिक्चर, और फिर उसके बारे में आपको लिखना है। तो उसे क्या कहते हैं, चित्र वर्णन, ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा है। बड़े खुले परिसर में, ओपन प्लेस में, एक बहुत बड़े ओपन प्लेस में यह मेला लगा हुआ है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। स्त्री मीन्स विमेन, पुरुष यानी मैन, मैन कहाँ गए, ये देखो, और बच्चे चिल्ड्रन यहाँ पर भी है, देखो बहुत से लोग हैं यहाँ पर भी, है ना, ये भी बच्चा ही है, मैन नहीं है वो, कुछ भी क्या बोलते हैं तुम लोग, इधर होंगे किधर, तो मैन, ए देखो इधर है मैन, है ना। तो दिखाई दे रहे हैं हम लोग को। तो मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे हम लोगों को स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, पालकी में ना बुक्स रख के उनको उसकी रैली कर रहे हैं, वो लोग लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाए विज्ञान, ग्रंथ दिंडी है ये, ठीक है। पुस्तकें है हम सब की साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। तो ये जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे पालकी लेकर बुकों को, बुक्स को पालकी में रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। एक अन्य छात्र के हाथ में और एक सूचना फलक है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाए विज्ञान। ये लिखने आना चाहिए तुम लोगों को। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही है। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए है, जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि। विभाग यानी डिपार्टमेंट्स। अभी देखो यहाँ पर बाल साहित्य है तो यहाँ पर बच्चों के ही किताब मिलेंगे, विज्ञान कथा है तो यहाँ पर साइंस की किताबें मिलेंगी, किशोर साहित्य है जो 14-15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हिसाब से अलग अलग विभाग बनाए हुए
है, डिपार्टमेंट्स है हर बुक्स के, वहाँ पर जाकर हर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बुक खरीद सकता है। ओके, विषयानुसार मीन्स एज पर सब्जेक्ट अलग अलग विभाग बने हुए हैं, जैसे किशोर साहित्य बाद सब लिखा हुआ ही है, उसको ही लिखना है तुम लोगों को। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी हुई है। बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं, इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। तो ये देखो यहाँ पर जो बाल साहित्य है, ई बुक्स और ऑडियो बुक्स रखे हुए हैं, है ना, तो देख के लिखना है आप लोगों को, भी बने हुए हैं, इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। पास ही विज्ञान कथा विभाग है, यहाँ एक छोटा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है, पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिख रहे हैं, वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा हो। अभी ये जो पीछे भी हम लोगों को कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं ना, और वो जरा एजेड भी दिखाई दे रहे हैं, तो वे कहते हैं कि मे बी वहाँ पर बड़े लोगों की किताबें रखी हो। ओके, इसके लिए बुज़ुर्ग बड़े लोग यहाँ पर गए हुए हैं। तो इस तरह से ये है वाचन मेला। अभी मैं आप लोग को पूरा पढ़ के बताती हूँ। ओके, तो चित्र वर्णन, एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं, जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है, जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। एक अन्य छात्रा के हाथ में और एक सूचना फलक है, जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही है। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं, जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी हुई है। बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं, इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। पास ही विज्ञान कथा विभाग है, यहाँ एक छोटा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है, पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिख रहे हैं, वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा हो। ओके, तो इस तरह से ये चित्र वर्णन आप लोगों को करने आना चाहिए। ओके, अभी आप लोग को मैंने चित्र भी दिखा दिए हैं, उसका वर्णन भी कर दिया है, तो आप लोग एक बार ये लिख कर निकालिए, दो बार लिख के निकालिए, तीन बार लिख के निकालिए। मैं जहाँ तक कहती हूँ ना, 5 times लिख के निकालना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए चित्र देखने के बाद हमें लिखने आता है या नहीं, क्योंकि उसी में तो मार्क्स जाते हैं ना आप लोगों के। ओके, तो इतनी मेहनत तो भाई आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। ओके, तो अच्छा लगा ही होगा मेरा ये वीडियो, तो लाइक तो आप लोग देंगे ही, है ना, तो दे दो ना, ऐसे क्या करते हैं तुम लोग, एक लाइक। और फ्री है मेरा ये चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे बहुत ही प्यार से देखते हैं मेरा ये वीडियो, मेरे चैनल को बहुत लाइक करते हैं वो लोग भी, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। ओके, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, और सारे लेसन्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स तो मैंने अपलोड कर ही दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग देखिएगा, फिर मुझे डाउट भी पूछ सकते हैं आप लोग, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगी। ओके, चलो देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।